हेलो एवरीवन, आज हम लोग बनाएंगे पपीते का हलवा। तो इसके लिए हम लोग फ्रेश पपीता लिए हैं जो बिल्कुल ताज़ा होना चाहिए। और इसको हम लोग पहले अच्छे से धो लेंगे और उसके बाद इसको उसका ऊपर का स्किन अच्छे से निकाल देंगे, यानी छील करके हम लोग पहले से इसको पील कर लेंगे। और इसमें जो हरा ऐसा दिखता है छिलका में ही हल्का हल्का, वो बिल्कुल नहीं दिखना चाहिए क्योंकि उससे तीतापन आ जाता है और कड़वापन लगने लगता है। तो इसको अच्छे से छीलना है और इसका जो बीज वाला भाग है इसको इस तरह से खरच करके निकाल देना है। ये भी बहुत तीता लगता है तो इसको भी अच्छे से खरच के निकाल करके दोनों में इसी तरह से ऐसे खरच कर लें और निकाल लें, और चाहे तो अंदर से इसको काट करके भी ऊपर वाला भाग निकाल दें क्योंकि इस पे कड़वाहट होता है इसके बीच में भी, तो जरा सा भी उसका अंश नहीं रहना चाहिए। और इसको अच्छे से साफ कर लें, धो करके अच्छे से साफ कर लें। फिर कटिंग के वक्त ये बीच वाला भी हिस्सा जो है ऊपर वाला हिस्सा उसको हम लोग निकाल लेंगे कटिंग करके, और पतला कटिंग करने से ये निकलेगा। अब इस तरह से पूरा भाग हम लोग ऊपर का निकाल लेंगे कि इसमें जरा सा भी कोई करवाहट ना जाए, इसलिए इसको निकालना जरूरी है। और इसी तरह करके हम लोग पूरा इसको पतला पतला काट लेते हैं और इसका ऊपर का भी बीज वाला ऊपर वाला भाग इसको निकाल लेते हैं। इस तरह से देखिए हम लोग पूरा निकाल रहे हैं ऊपर वाला भाग इसको। इसका भी इसी तरह से निकाल लेंगे। और पपीता का हलवा बहुत हेल्दी ऑप्शन होता है, हम लोग इसको पर्व त्योहार में भी इसको बना के खा सकते हैं और स्वास्थ्य के लिए तो अच्छा होता ही है। और अवेलेबल भी बहुत आराम से हो जाता है, मार्केट वगैरह में ये आसानी से मिल जाता है और हमेशा ही मिलता है, ऐसा नहीं कि कोई सीजन है इसका। तो जब चाहे हम लोग इसको पपीता का हलवा बना सकते हैं। अब इन सबको अच्छे से ग्रेट कर लेंगे हम लोग, इस तरह से ग्रेट कर लेंगे एकदम जैसे हम लोग गाजर का हलवा बनाते हैं, कोई भी हलवा बनाते हैं तो इसको ग्रेट करते हैं, तो वैसे ही इसको ग्रेट कर लेना है। और ग्रेट करके आपको हम पूरा दिखा रहे हैं, देखिए पूरा हम लोग इस तरह से तैयार कर लिए हैं इसको। अब इसको हम लोग बनाने की प्रोसेस में चलते हैं। इसके लिए हम लोग को पहले कढ़ाई को गर्म करना होगा और उसमें घी लेना होगा। तो करीब हम नाप से इसमें 1 कलछी घी दिए हैं, यानी 50 ग्राम घी इसमें हम दिए होंगे। अब इसमें हम लोग पपीता को अच्छे से पहले घी को गर्म कर लेंगे, उसके बाद पपीता इसमें डाल देंगे। और अभी हीट हम पूरा फुल पे रखे हैं क्योंकि अभी इसका हम लोग को अच्छे से भुनाई करना है पपीता को, तो इसको हम लोग फुल हीट में ही अभी भुनेंगे। दो 4 मिनट हम भुनेंगे तो ये गल जाएगा अच्छे से, और ढक ढक के भुनेंगे तो और अच्छे से ये गल जाता है। और जब ये गलता है तो इसका स्वाद बहुत ही अच्छा लगेगा फिर खाने में, इसीलिए इसको 2-4 मिनट हम लोग एक एक दो दो मिनट पे ढक ढक करके इसको भूनते रहेंगे, लेकिन इसको हमेशा चलाते रहेंगे, तले से लगे नहीं, इसलिए एक एक दो दो मिनट में इसको चलाते रहेंगे। अब देखिए ये हल्का सा मेरा गलना स्टार्ट हो गया है, इसमें कलर भी सुनहरा आ गया है।
अभी इसको हम लोग और थोड़ा देर भून लेते हैं इसी तरह से। हाँ और ढक ढक के ही भूनेंगे। अब इसमें हम लोग 2 कप दूध मिला रहे हैं और फुल फैट दूध लेना है, फुल क्रीम का। और इसमें जितना भी छाली दूध में जमा हुआ है, मलाई जो बोलते हैं, तो मलाई के साथ ही दूध में इसको डाल देना है। तो हम लोग को ऊपर से मलाई देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, खोआ वगैरह देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मलाई के साथ दूध डाल देंगे। तो अब इसको थोड़ी देर हम लोग पकाते हैं इस दूध में, और बीच बीच में इसको चलाते भी रहेंगे। और दूध देखिए एकदम ठीक ठाक है, फटा नहीं है। अब इसी तरह हम लोग इसको चलाएंगे थोड़ी देर। अब देखिए थोड़ा सा रिड्यूस हुआ है दूध। इसी तरह हम लोग इसको ढक ढक करके थोड़ा सा और इसको दूध को जला लेते हैं, और बीच बीच में इसको चलाते भी रहेंगे और इस तरह से ढक ढक के पकाते भी रहेंगे। ये हम इलायची पाउडर, थोड़ा सा चीनी मिला करके इलायची पाउडर इसमें कूटे थे तो वो इसमें हम मिला दिए। 2 इलायची हम इसमें लिए हैं और उसको आधा चम्मच चीनी के साथ कूटे थे, क्योंकि पूरा इलायची अच्छे से नहीं पिसा पाता है, तो उसमें हम 1 चुटकी चीनी मिला के पीसेंगे तो बहुत अच्छे से ये फिर पिसा जाता है। तो अभी हम इलायची इसमें मिला दिए हैं। अब इसमें हम चीनी का यूज कर रहे हैं, तो चीनी हम इसमें हाफ कप दे रहे हैं, तो हाफ कप में ये अच्छा मीठा हो जाएगा। और जो कोई कम, इससे ज़्यादा कम खाना चाहते हैं तो इससे कम भी ले सकते हैं, कोई इससे ज़्यादा खाते हैं तो ज़्यादा भी ले सकते हैं, वो तो अपने स्वाद के अनुसार से इसको मैनेज कर सकते हैं। पर ये आधा कप इसमें सफिशियंट है, इसमें हलवा ठीक लगेगा खाने में, ना बहुत ज़्यादा मीठा ना बहुत कम, ठीक लगेगा मीडियम में। और जब हम हलवा बना रहे हैं तो वो फीका भी अच्छा नहीं लगेगा खाने में। तो इसी तरह हम लोग इसको अभी चीनी जो है, ये पानी देखिए छोड़ा है फिर से, तो इसको हम लोग इसी तरह से फिर से जलाएंगे। और हीट को अभी हम मीडियम रखे हैं, फुल हीट में नहीं कर रहे हैं, तो इसी तरह मीडियम हीट में, क्योंकि जलने लगेगा नीचे से, फुल हीट में बनाएंगे तो ये मीडियम हीट में हम इसको ढक ढक करके 2-2 मिनट में, 1-1 मिनट में इसको चला रहे हैं। और इसका और अच्छा स्वाद बढ़ाने के लिए आप ऊपर से खोआ भी दे सकते हैं या मिल्क मेड भी दे सकते हैं, दूध को गाढ़ा करके भी दे सकते हैं, तो जैसा आपका इच्छा हो। हम तो इसमें कुछ भी नहीं मिला है, और 1 किलो दूध डाले थे, करीब 1 किलो से कम होगा, थोड़ा सा ज़्यादा, मतलब मेरा 225 का कप है, तो 2 कप हम लोग डाले थे। तो अब इसमें हम लोग ड्राई फ्रूट मिला देते हैं। आधा किलो पपीता में हम लोग लगभग आधा किलो दूध यूज कर लिए हैं, तो 1 किलो का पपीता बनाइएगा तो 1 किलो दूध यूज कर सकते हैं, तो इतना सफिशियंट है। इतना में खाने में ये बहुत ही टेस्टी लगता है, इतना सा भी दूध मिला के इसमें डालने से। तो ये देखिए जितना इसको हम लोग भूनेंगे ना, तो उतना अच्छा इसमें फिर स्वाद आएगा। इसमें जरा सा भी नमी नहीं रहना चाहिए, पानी बिल्कुल, दूध का या चीनी का बिल्कुल नमी नहीं रहना चाहिए, इसको बिल्कुल सुखा देना है। देखिए बिल्कुल मेरा ये सूख चुका है, अब तभी ये खाने में मज़ा आता है। इसको अच्छे से हम लोग लास्ट में 10 से 15 मिनट अच्छे से इसको भुनाई करेंगे, और ये पूरा हलवा बनाने में हमको करीब 1 घंटा लग गया है। तो इसको अच्छे से हम लोग भुनाई करेंगे तभी ये हलवा का स्वाद मज़ेदार लगता है खाने में। तो ये चीज़ का ध्यान हम लोग जरूर देंगे, क्योंकि जरा सा भी इसमें पानी का अंश रह जाएगा तो वो फिर उतना टेस्टी नहीं लगेगा। अब इसको हम लोग ड्राई फ्रूट से सजा दिए हैं, और ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है देख के, और देख के तो अच्छा लग ही रहा है, खाने में भी उतना ही अच्छा लगता है। तो ये ट्राई करने के लिए आपको इसको बनाना पड़ेगा, थोड़ा
आप लोग बनाइए इस तरह से, और अंजू किचन को लाइक सब्सक्राइब और एक अच्छा सा प्यारा सा कमेंट कीजिए। तो कैसा लगा ये जरूर कमेंट करके बताइएगा। तो अच्छा लगे तो जरूर लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू मेरे वीडियो को देखने के लिए सो मच।